नमस्कार, माझा महाराष्ट्र लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे. ऐसे कार्यकर्ता है जो अशोक चव्हाण के प्रवेश सोहळा के टाइम में वहां पर मौजूद थे और वही कार्यकर्ता आपके स्टेज पे भी थे, ऐसा भी तो नहीं है कि और भी कुछ लोग ले जाने के वास्ते आए हुए हैं या फिर वो किसके है? देखिए, अभी सब ये पूरे नांदेड़ जिले पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बारीकी से नजर से यहाँ पे सब देखा जा रहा है. AICC की तरफ से यहाँ पर बारीक नजर रखी है. जो जो भी अभी ऐसी इस तरीके की हरकत होगी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएंगी और जो कांग्रेस की विचारधारा मानने वाले लोग हैं उनको साथ लेके इस जिले को फिर से हम नांदेड़ का कांग्रेस का बाली कल्ला बना के रहे. रनिंग कितने विधायक आपके साथ है और पूर्व विधायक कितने साथ है कांग्रेस? पूरे सभी साथ थे. नाना भूखी भी बात हो गई हुई है. नाना पटोले जी को सबने मुंबई में मिले हैं सबने. और पूरे विधायक साथ है, माजी विधायक भी साथ है, पूरे फ्रंटल के सेल के विभाग के अध्यक्ष साथ है, जिला कांग्रेस कमेटी पूरी साथ है, जिला अध्यक्ष साथ है, आज सब लोग यहाँ पर साथ है. जो मुसलमानों के साथ में कांग्रेस ने हमेशा बेरुख किया है, उनको धोखा दिया ऐसा बोला जाता है, तो इस बारी को कहीं ना कहीं शहर अध्यक्ष या फिर कभी आमदार की कोई जगह मुसलमानों को मिलेगी जो कि आज कांग्रेस के पीछे है, वो कहीं नहीं जाना चाह रहे, तो उनके लिए कोई ऑफर आपके तरफ से मिलेगा? नहीं, सबसे पहले आपका सवाल गलत है कि मुसलमानों को कांग्रेस ने बाजू रखा है. देखिए, मुसलमानों को कांग्रेस ने भी बहुत कुछ दिया है. गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस ने नांदेड़ में भी महापौर बनाया है, सभापति बनाया है, नगर सेवक बनाए हैं यहाँ पे. और जितना कुछ नहीं बना इसके अलावा और जो भी अब आएंगे तो बनाएंगे. अब आगे बनाएंगे ना अभी सब. अभी नहीं, अभी सब बनाएंगे ना.